नमस्कार, आप देख रहे हैं जंटर टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। गोरखपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी उत्तरी हुमायूंपुर पहुंचे हैं। राजकीय मूक बधिर विद्यालय पहुंचे हैं सीएम, जहां पर सीएम ने मूक बधिर विद्यालय का निरीक्षण किया है। वहीं सीएम ने छात्र छात्राओं में मिष्ठान वितरण किया। वहीं सीएम ने मूक बधिर बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। वहीं सीडीओ और अन्य अधिकारीगण इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तरी हुमायूंपुर पहुंचे हैं। इस दौरान राजकीय मूक बधिर विद्यालय पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं इस दौरान मूक बधिर विद्यालय का निरीक्षण किया गया, साथ ही छात्र छात्राओं में मिष्ठान वितरण भी किया गया। वहीं सीएम ने मूक बधिर बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। वहीं सीडीओ और अन्य अधिकारीगण इस दौरान मौजूद रहे। रुक करेंगे गोरखपुर से बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी गोरखपुर से आपको बता रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी गीडा के सेक्टर 26 इस दौरान जाने वाले हैं। वहीं पीवीसी पाइप यूनिट का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को यहां पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। औद्योगिक भूमि के प्रमाण पत्र इस दौरान वितरित किए जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान सीएम योगी गीड़ा के सेक्टर 26 जाने वाले हैं, जहां पर पीवीसी पाइप यूनिट का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाना है। वहीं 96 उद्यमियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सीएम योगी गीड़ा के सेक्टर 26 जाने वाले, जहां पर पीवीसी पाइप यूनिट का सीएम योगी द्वारा लोकार्पण किया जाना। वहीं 96 उद्यमियों को यूनिट लगाने के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। रुक करेंगे वाराणसी से एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वाराणसी दौरे पर जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, शाम 4:30 बजे सीएम वाराणसी पहुंचेंगे। वहीं अटल आवासीय परिसर का इस दौरान निरीक्षण किया जाएगा। वहीं बच्चों से मुख्यमंत्री योगी संवाद करने वाले, साथ ही पीएम के कार्यक्रम स्थल का भी इस दौरान निरीक्षण किया जाएगा। वहीं पीएम विजिट की तैयारियों की इस दौरान समीक्षा की जाएगी। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी दर्शन पूजन करेंगे। वहीं काल भैरव मंदिर में भी इस दौरान दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, वाराणसी से पीएम के कार्यक्रम स्थल का सीएम योगी निरीक्षण करने वाले हैं। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी पूजा अर्चना करेंगे। वहीं काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। शाम 4:30 बजे वाराणसी पहुंचने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल आवासीय परिसर का भी इस दौरान निरीक्षण किया जाएगा। सीएम का वाराणसी दौरा रहने वाला है। इस दौरान शाम 4:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अटल आवासीय परिसर का इस दौरान निरीक्षण करेंगे। वहीं बच्चों से संवाद करेंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा सीएम योगी के वाराणसी दौरे से जुड़ी क्या कुछ अहम बातें हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का 23 तारीख को अमन दौरा है और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन सहित तमाम आला अधिकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम वाराणसी पहुंच गई है, क्योंकि वाराणसी में 23 तारीख को प्रधानमंत्री का प्रारंभिक प्रोटोकॉल आ चुका है, जिसको लेकर तैयारियां अब जोरों पर है और प्रधानमंत्री द्वारा तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन समेत भारत सरकार पूरी तैयारियों में जुट गई है और वाराणसी में मुख्यमंत्री का जो दौरा है, चूंकि प्रधानमंत्री के दौरे के पहले जो समीक्षा होनी है उसको तैयारियों को लेकर परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं, क्योंकि गंजारी स्टेडियम सहित अटल योजना, अटल विद्यालय का उद्घाटन होना है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः धरातल पर पहुंचेंगे और वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके साथ साथ अटल विद्यालय का जो उद्घाटन होना है उसको लेके किस तरीके की तैयारी है, जिला प्रशासन ने क्या अंतिम रूप दिया है,
उसके साथ साथ गंजारी में जहाँ सभा स्थल बनाया गया, जहाँ 5.5 घंटे प्रधानमंत्री का बीतना है, उसको लेकर तमाम तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आज दौरा करेंगे। उसके साथ साथ देर रात वाराणसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और वाराणसी में चल रही क्रियाशील योजनाओं के विषय में वो जानेंगे और जमीनी स्तर पर जाकर वो परख भी सकते हैं, क्योंकि वाराणसी में उसके उपरांत वह काशी विश्वनाथ दर्शन व काल भैरव का दर्शन कर रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह का जो प्रोटोकॉल है उसके तदुपरांत वो जो है आगे की रणनीति तय होगी देर रात में। जी वही अटल आवासीय परिसर को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि अटल आवासीय परिसर का भी इस दौरान निरीक्षण किया जाएगा। ये निरीक्षण क्या काम को लेकर है कि अटल आवासीय परिसर का कितना काम पूरा हो चुका है फिलहाल? देखिए अटल आवासीय योजना की अगर बात की जाए तो पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन होना है और उसको लेकर मुख्यमंत्री ये देखना चाह रहे हैं कि क्या किसी प्रकार की कमी और कोर कसर तो नहीं रह गया प्रधानमंत्री के उद्घाटन के पहले। अटल आवासीय योजना व गंजारी जो स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है उसके लिए बीसीसीआई अध्यक्ष भी वाराणसी में आज आने वाले हैं और उसकी समीक्षा करेंगे। वो देखेंगे कि किस तरीके का जो इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम की बात हो रही है उसकी रूपरेखा, उसकी तैयारियां और जो मैपिंग है क्या उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीसीसीआई अध्यक्ष तमाम दौरे करेंगे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटित होने वाली योजनाओं को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे और जो क्रियाशील योजनाएं हैं उसके विषय में जानेंगे कि क्या स्थिति है और कुछ ऐसे निर्माणाधीन कार्य है जिसकी भी समीक्षा बैठक में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि 2024 का जो मिशन 2024 है वो अब नजदीक है, जिसको लेकर डबल इंजन की सरकार किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में खासतौर पर मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से विजिट करते हैं 150 बार से ज्यादा उनका दौरा हो चुका है और खुद योजनाओं के जाके नजदीकियों से परखना ये बहुत बड़ी काशी के लिए नहीं वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सूबे के जो मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चीजों को जानते हैं और धरातल पर जाकर देखते हैं। अमन सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र चौबे तमाम जानकारी के लिए। पीएम विजिट की तैयारियों की समीक्षा इस दौरान योगी आदित्यनाथ द्वारा की जानी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उपचुनाव में निर्वाचित विधायक सुधाकर सिंह को सदस्यता की शपथ दिलाई। बता दें कि इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। इस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। हाल ही में आजम खान के घर पर हुई आईटी की रेड को लेकर सपा नेताओं में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं आईटी की रेड के बाद मौलाना का दर्द सपा पर ही फूट पड़ा है। उनका कहना है कि आजम खान ने अपनी मुश्किलें खुद पैदा की हैं, साथ ही पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वो भी चुप्पी साधे हुए हैं और आजम खान पर पड़े इस संकट को खामोशी से देख रहे हैं। सुनिए आगे क्या कुछ कहा उन्होंने। आप बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और ये मुश्किलें ऐसा नहीं है कि किसी ने पैदा की है, बल्कि ये खुद मुश्किलें उनके जरिए पैदा की गई हैं और उनकी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और उनकी मुश्किलों पर बिल्कुल वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब ये 2.5 साल के बाद में जेल से रिहा होकर के रामपुर पहुँचे तो मैंने इनको मशवरा दिया था कि खुदा की बारगाह में तोबा करें, मस्जिद में जाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़ें और राजनीति से बिल्कुल दूर हो जाएं। अगर वाकई इनको राजनीति करना ही है और ये नहीं छोड़ना चाहते तो फिर इनको चाहिए कि जितने भी मुसलमान नुमाया चेहरे समाजवादी पार्टी के हैं जो अखिलेश यादव की इताब के शिकार हुए हैं, तो वो सब लोग मिल करके आजम खान की क्यादत में एक नई पार्टी का गठन करें और उस पार्टी के बैनर तले ये राजनीति करें। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चल पड़ी है। आपको बता दें कि रायबरेली में डीएम के पद पर तैनात माला श्रीवास्तव का प्रमोशन हो गया है। जानकारी के अनुसार अब उन्हें डायरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा।
वहीं मौके पर 2023 बैच की हर्षिता माथुर को रायबरेली का डीएम बनाया गया है। इस मौके पर दोनों ही अधिकारियों को लोगों ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी। संत कबीर नगर में पुलिस कप्तान सत्यजीत गुप्ता ने तबादला एक्सप्रेस चलाई। आपको बता दें 48 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में एसपी ने बदलाव किया है। तबादले में उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। साथ ही सभी नए अधिकारियों को तत्काल तैनात होने के निर्देश भी दिए गए हैं। पर्यटन पुलिस की लपको के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आगरा पर्यटन पुलिस ने ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट के तहत लपको पर बड़ी कार्यवाही की। पर्यटन पुलिस ने एसीपी के नेतृत्व में आगरा कैंट स्टेशन पर कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान आधा दर्जन लपकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं टूरिस्ट डिलाइट ऑपरेशन पर हमारे संवाददाता ब्रजकिशोर शर्मा की एसीपी तथा सुरक्षा सैयद अरीब से खास बातचीत हुई। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। टूरिस्ट की आगरा में एक अलग ही पहचान है। आने वाले टूरिस्टों के साथ लगातार ठगी और लफड़ागिरी होती है, इसीलिए आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने एक टूरिस्ट डिलाइट अभियान चलाया है, जिसके तहत लगातार लपकों, अवैध लपकों और अवैध गाइडों पर कार्रवाई हो रही है। इसी जानकारी के लिए हमारे साथ है एसीपी सैयद अरीब है। सर, टूरिस्ट का अभियान चल रहा है आपका, किस तरह का अभियान है, कितने लपकों पर कार्रवाई है? नया पर्यटन सीजन आगरा में शुरू हो चुका है। इसी को बेहतर बनाने के लिए, जो पर्यटक का एक्सपीरियंस है उसको अच्छा करने के लिए ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट हम चला रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख कंपोनेंट है लपकों पे कार्रवाई। हमने अवैध लपकों पे पिछले 8 महीने में लगभग 325 लपकों को के विरुद्ध निरोधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है। लगभग 12 मुकदमे पंजीकृत किए हैं, कई लपकों को जेल भेजा है, कई बड़ी कार्रवाइयाँ इसमें की गई हैं। पिछले किसी भी वर्ष में 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। साथ ही ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट में हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटकों को सही सूचना पहुंचाएं और उनको जो अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, कई बार लाइनों में लगना पड़ता है, वो ना लगना पड़े, इसके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए, एक बड़ा सवाल है, आगरा में पर्यटक आता है, पर्यटक के आने के बाद जैसे वो ट्रेन से आ रहा है तो वहाँ लपके बराबर उनको घेरते हुए नजर आते हैं, अपनी गाड़ी से आ रहा है उसके बाद लपके उन्हें पकड़ते नजर आते हैं, इन लपकों के खिलाफ एक कार्रवाई भी कैंट पर की गई है, किस तरह की कैंट पर कार्रवाई की गई है, कुल कितने लपके पकड़े गए? जी, हमने आगरा में जहाँ भी पर्यटक जिस भी माध्यम से आता है, सब जगह पर हमने ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट के तहत अभियान चलाया है। कल हमने आगरा कैंट स्टेशन से लगभग 17 लपकों को गिरफ्तार किया और निरोधात्मक धाराओं में उनका चालान किया। साथ ही जो बस स्टैंड है, रमाडा कट है, सेल्फी पॉइंट है, जिस भी क्षेत्र पर लपके एक्टिव रहते हैं वहाँ सभी जगह हमारी पेट्रोलिंग जारी है। इस सीजन में किसी भी जगह से लपकागिरी नहीं होने दी जाएगी, ऐसी हमारी कोशिश है। सर, एक बड़ा सवाल है, आगरा में टूरिस्ट आता है, लगातार कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट ठगी का शिकार होता है, तमाम शिकायतें आती हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, मगर टूरिस्ट, ये अभियान आपका चल रहा है, ये कब तक चलेगा और इस अभियान से कितनी मुक्ति मिल पाएगी लपकागिरी से? देखिए, लपकागिरी यहाँ की एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यहाँ लोग इससे जुड़े हुए हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसको हटें और किसी वैध कारोबार की तरफ जाएं। इसके लिए हम बहुत सारी कार्रवाई कर रहे हैं, ये अभियान हम चला रहे हैं इस टूरिस्ट सीजन की शुरुआत से। हम 31 मार्च 2024 तक ये अभियान चलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की लपकागिरी ना होने दी जाए। ये थे हमारे साथ एसीपी अरीफ सैयद, जिन्होंने बताया कि लगातार लपकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो, टिकटिंग की असुविधा ना हो, लपकागिरी या ठगी का शिकार ना हो, इसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि लपकों पर बड़ी कार्रवाई होती है, लपकागिरी या ताजमहल क्षेत्र या पूरे जिले में जिस जिस जगह लपकागिरी चलती है उस पर किस तरह की पुलिस एक्शन लेती है। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। आज तीज के पावन पर्व पर प्रदेश भर के शिवालय बम बम भोले से गूंज रहे हैं। इसी कड़ी में बहराइच जिले के प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर में भी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं प्रयागराज में हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाओं ने गंगा स्नान किया और श्रावस्ती जिले के पांडवकालीन मंदिर विभूतिनाथ पर भी भक्तों का तांता देखा गया। मैं संगम आई हूँ नहाने। तीज का बहुत बड़ा व्रत होता है, मैंने जल नहीं पिया है, निर्जला रहता है। ये पार्वती माता जी वा रही हैं उपासे बिना जल पानी के, तो वह सब मैंने रहला शंकर जी पति के लंबी आराध्या रहती है।
मैं यहाँ पे गंगा जी स्नान करने आई हूँ। तीज के उपलक्ष में गंगा जी का बहुत बड़ा महत्व होता है और साथ में हमने आके गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया और इस तीज के व्रत में पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। ये पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है और जिससे पति की दीर्घायु होती है। इसमें 16 श्रृंगार किए जाते हैं, औरतें पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, चूड़ी बिंदी सिंदूर महावर सब कुछ लगाती हैं और माता पार्वती को समर्पित करती हैं। जब यहाँ प्रयागराज संगम तट पे हैं और आज तीज का व्रत है, हम यहाँ गंगा स्नान के लिए आए हैं और आज व्रत भोलेनाथ का हम हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ, भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पे बनी रहे, इसलिए रहते हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो, घर हमारा स्वस्थ रहे, परिवार हमारा स्वस्थ रहे और भारत देश भी हमारा स्वस्थ अमर रहे। अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। आईटी रेड के बाद आजम खान पहुंचे गाजियाबाद। आजम खान ने की मुलाकात, किसान नेता हरिंद्र चौधरी ने सपा नेता को दी कलम। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्कर के बीच हुई मुठभेड़, इनामिया बदमाश हुआ घायल, कब्जे से तमंचा खोखा बरामद। आगरा में संदिग्ध हालत में पकड़ा गया दारोगा, मौके पर मिला आपत्तिजनक सामान, थाना बरहन में तैनात है दारोगा। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग, मुठभेड़ में गैंगस्टर सहित 3 गिरफ्तार, एक भागने में हुआ कामयाब। बरेली में ससुराल जनों की हैवानियत, दहेजियों ने विवाहिता को जलाकर उतारा मौत के घाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में लापता युवक का पुलिया के पास मिला शव, मृतक ग्राम बका पहाड़ी का निवासी बताया जा रहा है, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कासगंज में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। इटावा में अग्निवीर की तैयारी में लगे युवक की दौड़ लगाने के दौरान हृदय गति रुकने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम, फिजिकल परीक्षा दे रहा था युवक। सहारनपुर में भीम आर्मी के ग्राम अध्यक्ष को लगी गोली, बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। भदोही में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर पिता पुत्र की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बदायूं में गंगा में नहाने गए 2 बच्चे डूबे, हादसे में दोनों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बदायूं में ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बिनावर थाना क्षेत्र के घटपुरी गांव के पास की घटना। महोबा में सांप ने युवक को डसा, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में मच गया कोहराम। मथुरा में पेट्रोल विवाद में पुजारी ने की आत्महत्या, युवक के साथ हुई थी कहासुनी, मसानी चौराहा स्थित हनुमान मंदिर का मामला। आजमगढ़ में कुत्ते के काटने से युवक की इलाज के दौरान मौत, युवक ने जमकर किया था हंगामा, शख्स ने नहीं लगवाया था रेबीज का इंजेक्शन। संभल में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मचा कोहराम। श्रावस्ती में कलयुगी बेटे ने पिता के ऊपर किया धारदार हथियार से हमला, घायल अवस्था में कराया गया अस्पताल में भर्ती, पिता ने पैसे न मिलने पर बेटे ने किया हमला। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से सनसनी, पारिवारिक कलह से परेशान चल रही थी मृतका, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मैनपुरी में बारिश का कहर, कच्चा मकान गिरने से मासूम की मौत, ग्राम में पसरा मातम। बाराबंकी में भारी बारिश के बाद जर्जर कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, 2 लोग घायल, मलबे में दबे लोगों को ग्रामीणों और पुलिस ने निकाला बाहर। लखनऊ में सिपाही का ड्रामा करते हुए वीडियो वायरल, शराब के नशे में धुत सिपाही का तांडव, ग्रामीणों से करता है गाली गलौज। बांदा में स्कूल बस ने अधेड़ को मारी टक्कर, हादसे में हुई मौत, पुलिस को मामले की दी गई सूचना। मैनपुरी में दिव्यांग महिला के साथ तमंचे की नोक पर जादूगर ने किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की दे रहा धमकी, पीड़िता लगा रही न्याय की गुहार। पीएम के जन्मदिन पर लखनऊ में स्वच्छता दिवस के रूप में शुरू हुआ महाअभियान, हजारों लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा, 2 अक्टूबर तक चलेगी स्वच्छता लीग।
प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, होटल में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।